स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट हनीकॉम स्टैंडर्ड 7th इंग्लिश। आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दिस 3 थिंग्स वेर व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। क्या कह रहे है? किंग है उसको अपने वो ऐसा बोल रहा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी नेवर फेल, मैं कभी भी उस कोई भी चीज में फेल ना हो। इसके लिए उसको 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। फर्स्ट था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, ऐसा कौन सा टाइम है जब मैं अपना काम शुरुआत करूं। विच पीपल शुड ही लिसन टू, मैं किस किस लोगों की बात सुनूं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द हिम टू डू, कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं करूं। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थॉट आउट द हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। किंग ने अपने मैसेंजर को भेज दिया कि ऐसे इंसान को ढूंढ के लाओ, ऐसा कोई भी हो जो मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दे, उसमें बहुत सारा पैसा दूंगा, लार्ज सम ऑफ मनी। Many wise men come to his king, but they all answer his question differently. बहुत विद्वान लोग आए लेकिन सबको ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्टी लगे। In reply to first question, पहले क्वेश्चन का आंसर में रिप्लाई दिया। Some said king must prepare a timetable. किसी ने कहा कि आप लोगों को आपको timetable बनाना पड़ेगा एंड देन फॉलो द स्ट्रिक्टली, और आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और आपको राइट टाइम पे करना पड़ेगा। अदर सेड दैट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवाइस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किस लोगों ने किया कि ये बराबर नहीं है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फॉलिस प्लेजर ब्लिस योर्स एंड Always do whatever seems necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. ऐसा कौन सा होगा जो परफेक्ट टाइम पे करेगा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक मैन ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है टू डिसाइड करेक्टली। जो विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स ही राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस, किसी की मदद के बिना तो नहीं हो सकता ना। बट देन अदर्स सेड देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन फॉर ऑफ द काउंसिलर। कोई कोई डिसीजन तो ऐसा होगा जो राजा को सडनली लेना पड़ेगा, किसी काउंसिलर की वेट करनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर्स, ऐसा होना चाहिए कि जिसको फ्यूचर मालूम हो पहले से। एंड ओनली मैजिशियंस ओल्ड कुड डू डेट, और ये चीज सिर्फ मैजिशियन ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, वो मैजिशियन को ढूंढने गया। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर, किसी ने कहा कि आपको काउंसिलर की बहुत ज्यादा जरूरी है, काउंसिलर मतलब जो सलाह देता है वो। अदर सेड द प्रीसियस मतलब कोई विद्वान पंडित, फ्यू अदर्स चॉइस द डॉक्टर, किसी ने कहा डॉक्टर की जरूरत है। एंड एट अदर सेड द हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, ऐसा बोल रहे कि जो सैनिक होते हैं उसकी ज्यादा जरूरत होती है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था, सम सेड साइंस अदर्स चूज फाइटिंग एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, किसी ने ऐसा कहा कि साइंस की जरूरत है जो फाइटिंग के लिए जरूर हो, और किसी ने कहा कि भगवान की पूजा करने के लिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वेर सो डिफिकल्ट, ये सब क्वेश्चन के आंसर बहुत हार्ड थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव टू रिवर्ड, किंग किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ और किसी को रिवर्ड नहीं मिला। इंस्टेंट ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टन हर्मिट, हर्मिट कौन होते हैं जो घर बार छोड़ के अकेले रहते हैं उसको हर्मिट बोलते हैं। हु वॉज द वाइंडली नो फॉर हिज विजडम, किंग उसको ढूंढने के लिए निकल गए। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही शो नो वन बट सिंपल पीपल, वो एकदम सिंपल तरीके के रहते हैं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन द अलोन, किंग ने अपने सारे ऑर्नामेंट्स निकाल दिए और सिंपल से क्लोथ्स पहन लिए, और अपना जो घोड़ा था उसको भी बाहर रख दिया बॉडीगार्ड के पास और अकेले ही अंदर गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, किंग अपने हर्मिट की झुपड़ी के नजदीक आ गए, झुपड़ी के नजदीक आ गए। एंड ही शो द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज, और वो हर्मिट था वो अपने ग्राउंड के आगे क्या कर रहा था,
अपने घर के आगे वो खुद का ही खुदाई कर रहा था एंड ही ग्रीटिंग द किंग एंड कंटिन्यू डिगनिंग। और वो उसने वो काम जारी ही रखा और वो काम उसने जारी रखा एंड ओल्ड वीक एंड ही वर्क द ही ब्रिट हैविली। और वो बहुत बूढ़े थे और वो जैसे हम कोई काम करते और थक जाते कैसे एकदम स्पीड में ब्रीथ लेते वैसे वो ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू विस हर्मिट, मैं अपने एक काम के लिए आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू आंसर थ्री क्वेश्चन, क्या आप मेरे तीन क्वेश्चन के आंसर दोगे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द टाइम राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड वॉट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे आगे तीन क्वेश्चन थे वही उन्होंने हर्मिट से पूछे। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने किंग की बात सुनी बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगनिंग, उसने अपना काम जारी रखा। यू आर द टायर्ड से द किंग, किंग ने बोला आप थक गए हो, लेट मी टेक हिज स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप ये रख दो और आप आराम करो। थैंक्स से द हर्मिट, हर्मिट ने बोला थैंक यू, गिविंग द किंग हिज स्पेड, उन्होंने किंग को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो वहां ग्राउंड पे बैठ गए। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his question. वापस किंग ने उनसे पूछा। The hermit gave no answer, उन्होंने वापस आंसर नहीं दिया, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." उन्होंने बोला आप मुझे दे दो और मैं अपना काम खुद करता हूँ। But the king did not give him, लेकिन किंग ने उनको वापस दिया नहीं स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगनिंग, और उन्होंने अपना काम जारी रखा। वन आवर पास, एक घंटा पास हो गया। देन अदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन भी ऐसे अंधेरा होने लगे था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड आई कम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर द माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, जो आपके पास मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो मुझे बता दो मैं अपने घर पे वापस चला जाता हूँ। हियर कम सम वन रनिंग सेड द हर्मिट, कोई डॉर के हर्मिट के पास आया। ओके, पार्ट वन कंप्लीट, हम पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।